मेहदीपुर बाजार के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा है। नादिया नाम की लेडी यानी सुबह से मेरे टच में है, हम लोग जिक्र ही कर रहे थे कि किस तरीके से प्रोटेस्ट किया जाए, लेकिन ये तय हुआ था कि हम लोग साइलेंट प्रोटेस्ट करेंगे एंड दैट टू इन द पब्लिक प्लेस सो दैट एक मैसेज जा सके। लेकिन अचानक आधे एक घंटे में ऐसा होता है कि भाई पुलिस मुझे कॉल करती है, गोलकुंडा पुलिस, क्या मैडम आप वहाँ पर है या पकड़ पर है, ये पुलिस किस तरीके से बिहेव कर रही है। और आज जो एक लेडी के ऊपर सारे मेल पुलिस वाले जो इस तरीके से उनका हाथ मरोड़ के यानी कि उनके हाथ को मोड़ के करके जबरदस्ती इनको यानी कि पुलिस वैन में बिठाया जा रहा था, जहाँ पर वहाँ के नौजवान तुलवा या जितने भी रोड साइडर्स थे, आम जनता थी, उनको निकाली है वहाँ से। उसके बाद मैं वहाँ पर एंट्री कर दी और एक एक छोटा सा बच्चा था जहाँ पर उसको नलडा मत कर, वो बच्चा रो रहा है, चीख के बोल रहा है भाई मेरा नलडा मत दे, ये पुलिस तो ये पुलिस कैसी है। और ये सारी जिम्मेदार हमारी तेलंगाना सरकार यानी केसीआर साहब रहेंगे, जबकि केसीआर ये ऐलान कर चुके हैं कि उन्होंने सीए के फेवर में नहीं है, तो फिर ये पुलिस परमिशन देनी चाहिए। और ऐसे साइलेंट प्रोटेस्ट को आई थिंक एज पर आर्टिकल 19 देयर इज नो परमिशन इज ग्रांटेड, और ये हम लोग कर सकते हैं। और इस तरीके से औरतों पे बर्बरता हैदराबाद में भी शुरू हो गई है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और जैसा कि हम लोग अपील कर रहे हैं कि हर औरत बाहर निकले और अपने हक के लिए आवाज उठाए, क्योंकि ये हक की लड़ाई है, ये किसी एक मजहब या मिल्लत की यानी एक सेक्शन की लड़ाई नहीं है। लिहाजा हाथ जोड़कर मैं भी नादिया के साथ सपोर्ट में उतरी हूँ कि इस बच्ची के साथ इसके जज्बे को सलाम करते हुए हम जैसे कि एक्टिविस्ट है, हमारा तजुर्बा है कि हमें प्रोटेस्ट करना देना चाहिए। सरकार इस बात को माने और कल से हम और ज्यादा तादाद में रास्तों पे उतरेंगे, ये हमारा कल भी मैं बैठूंगी, कल भी मैं बैठूंगी जब तक हम आपको इजाजत देगा, जब तक बैठेंगे, कोई हमारे परमिशन नहीं मिल रही ना, हमारे को मिले तो मैं बैठू, कल भी वो छोड़ पे जाके बैठूंगी मैं, कल भी मेरे को मारा खाना है, कल मेरे को लाठी से मारने दो। अब हम लोग उस्मानिया जा रहे हैं इनको ले लेके, क्योंकि इनका जो हाथ का जो दर्द है, हाथ जो मोड़ दिए हैं, ये बहुत बुरी तरीके से जरूरी, आप देखिए, और ये उंगली है, ये उंगली हड्डी इनकी मुड़ती, ये कैसी बर्बरता है पुलिस की, एक मेल पुलिस मैन हाउ कैन ही टच द फीमेल, ये बहुत गलत बात है। लेकिन बाद में लेडीज पुलिस आई और हमें जबरदस्ती उठाने लगी है, ये बहुत ही गलत बात है। ये देखिए आप, ये सूजन आ गई है और उनके उंगलियां मोड़ दिए, इस तरीके से एक औरत को उठाया जाता है। बैठो बैठो, सोपत आते तुम्हारा, सोपत आते तुम जाके
आपको हाँ वो बोलती है वो बोलती है कौन सा परमिशन दे रहे हैं माइक्रो नहीं करी माइक्रो साइलेंट प्रोटेस्ट कर यहाँ पे माइक्रो से कुछ ले पा रही हूँ पूरा पुलिस वाले जब आओगे पूरा करेंगे तो आएंगे हम ना नहीं करना बल्कि लास्ट मोमेंट में बस आए उन लोग मैं
आप लोग अब भी नहीं निकलेंगे हक के लिए तो आगे आगे जुल्म बहुत बढ़ेगा। ये टाइम है हम सबका एक होने का। मैं गुजारिश कर रही हूँ, मैं आपके पाँव पड़ रही हूँ, मैं आप लोग निकलिए बाहर प्रोटेस्ट कीजिए, किसी से मत डरिए, अपनी लीडर है अपनी सौंप पे, हम ऐसा करके चलेंगे तो इंशाल्लाह हम ये चीज़ में कामयाब होंगे। नहीं बोलो तो ये पुलिस आगे आगे जुलूम खुद करने वाली है, ये दिल्ली पुलिस से ज़्यादा खतरनाक तेलंगाना की पुलिस है, बस इतना ही कहना चाहूँगी। मीडिया से हटो, सो पता है तुम्हारा, सो पता है तुम जाके देखो तुम पहले बैठी है, मैं कोई ज्यादा नजर है, मैं प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ, बैठी यहाँ पे 11 बजे तो 12 बजे तो 1 बजे तो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। बस होता मेरे पर केस बुक आ जाए, आप मार सकते सर, मेरे गुलाबी से मार के मार सकते सर, आप लोग बिल्कुल मार सकते, आप लोगों का चल रहा साहब, आप हम लोग का नहीं चल रहा, क्या करते बोलो ना, हमारी गवर्नमेंट हमारी है ना हमारी पुलिस हमारी है। बात सुनाई दे रहे कप्तान ना भी हमारे हक की आवाज़, कप्तान ना भी बोलो तुम लोग, बोलो भी लड़ते हम लोग, कप्तान ना हमारी आवाज़ का भी गाला, कब जाना सीएम तक करा दो केस बुक कराओ, क्या कहते लेडीज प्लस टू लाके मार जाना, मैं तो यहाँ बैठने आ रही, मैं तो नहीं उठने वाली हूँ। मोड़ दिए हैं, ये बहुत बुरी तरीके से, आप देखिए, और ये उंगली है, ये उंगली हड्डी इनकी मुड़ती, ये कैसी भरभरता है पुलिस की, एक मेल पुलिस मैन हाउ कैन इट टच द फीमेल, ये बहुत गलत बात है। लेकिन बाद में लेडीज पुलिस आई और हमें जबरदस्ती उठाने लगी है, ये बहुत ही गलत बात है। ये देखिए आप, ये सूजन आ गई है और उनकी उंगलियां मोड़ दिए, इस तरीके से एक औरत को उठाया जाता है। हेलो, we'll be right back.